सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ दिल्ली मेट्रो रेलवे की तरफ से बहुत सारे जो है नया जो रिक्रूटमेंट अपडेट हुआ है उसके बारे में, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। यहाँ पे रिसेंटली जो अपडेटेड नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आया है दिल्ली मेट्रो रेलवे की तरफ से, यहाँ पे सारे जानकारी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या क्या रहेगा, इसी के साथ साथ आपको कितना जो है सैलरी आपको मिलेगा दिल्ली के अलावा और कहाँ कहाँ DMRC के जो है जॉब पा सकते हो, सब कुछ आप लोगों को जो है डिटेल में बताऊंगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, आप लोगों को सारे जानकारी जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। रिसेंटली DMRC की तरफ से और दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है देयर ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे आप लोग किस तरह से जॉब पा सकते हो और जॉब पाने के लिए पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या आपके पास होना चाहिए, आपको सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। DMRC के तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को वन बाय वन क्लियर करके बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा और एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप किस तरह से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारे जानकारी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखे, जहाँ पे पूरा वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे जानकारी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज भी नीचे दिया है, वहाँ पे जाके भी बात कर सकते। चलिए अभी मेरे कंप्यूटर में, अभी वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो है DMRC के डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते और कुछ जानकारी भी यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेलवे के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैं ओपन कर चुका, इसका ही लिंक मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोग क्लिक करके इस पेज में आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल क्या क्या लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं आप लोगों को बता देता हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसी लिंक को क्लिक करके इस पेज में आना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रिसेंटली जो वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ AM मैनेजर इलेक्ट्रिकल और डिपुटेशन पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट बेसिस फॉर द DMRC प्रोजेक्ट एट पाटना। तो मतलब पाटना में जो DMRC के प्रोजेक्ट होने वाला है उसके ही रिगार्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल एंड मैनेजर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर फॉर मेट्रो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के दोनों पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। इसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ द DOI चीफ इंजीनियर क्वालिटी फॉर द DMRC प्रोजेक्ट एट पाटना ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है पोस्ट यहाँ पे इस बार रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आया है दिल्ली मेट्रो रेलवे की तरफ से। तो आपको यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे वन बाय वन क्लिक करके चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है इसी पोस्ट को जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा इसी रिक्रूटमेंट को। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है इसके बारे में बात कर लेता हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं 21 अगस्त 2020 में जो है पोस्ट हुआ है दिल्ली मेट्रो रेलवे के ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां पे पूरा क्लियरली बता दिया गया है यहां पे जो पोस्ट है AM इलेक्ट्रिकल पोस्ट है एंड मैनेजर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट यहां पे अवेलेबल है, जो कि टोटल वैकेंसी अब है 07 और 07 वैकेंसीज है। इनके लिए आपको इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहां पे डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, डिग्री डिप्लोमा मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स में होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग में आपको जो है डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सैलरी जो है यहाँ पे आपको 70,180 रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आपको दिया जाएगा पोस्ट के, एंड मैनेजर के 90,200 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको
सैलरी भी बात किया गया है, या फिर और क्या दिया गया उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिटेल्स। तो यहाँ पे जो बता दिया गया है वैकेंसीज विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते एज पर द DMRC के रूल के हिसाब से। इसी के साथ साथ यहाँ पे बता दिया गया है कि 58 to 61 ईयर्स तक जो है कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ जो बता दिया गया है 62 ईयर्स की जो है क्या तक कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ इरेक्शन टेस्टिंग एंड द कमीशनिंग इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ 2 5kV OHE ट्रांजेक्शन सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस RS मेंटेनेंस एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी आपको जो है ये सारे वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे जो है एलिजिबल हो गए। तो इसके बाद जो बता दिया गया है स्क्रीनिंग प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपको जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा लिया जाए जो कि सिलेक्शन होगा। इसी के साथ साथ द स्क्रीनिंग प्रोसेस वुड बी जज डिफरेंट फैक्टर नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस एप्टीट्यूड एंड फिजिकली एबिलिटी के ऊपर जो है आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, मतलब आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके अंदर आपको नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एप्टीट्यूड एंड फिजिकली एबिलिटी के ऊपर ध्यान रख के आपको पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। इसके साथ साथ बता दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है, और जो इंटरव्यू होने वाला उसको भी डेट यहाँ पे दिया गया है उसको भी मैं बता देता हूँ। लास्ट डेट रिसीव अ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन थ्रू द स्पीड पोस्ट, मतलब 10th September 2020, मतलब 10th September 2020 के पहले आपको स्पीड पोस्ट करना होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देके। यहाँ पे पूरा क्लियरली बता दिया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट में आपको भेजना होगा। द लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी अपलोडेड DMRC वेबसाइट फॉर द वीक ऑफ September 2020। तो मतलब यहाँ पे जो बता दिया गया जब आप एप्लीकेशन करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा DMRC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे। एंड देन जो है यहाँ पे सितंबर में आपको सितंबर के 4th वीक में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है सितंबर के 4th वीक में जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएंगे, जो कि एड्रेस भी दिया गया है एट मेट्रो भवन बड़खम्मा रोड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जाके आपको जो है आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा एंड आपको जो है 10th September के पहले आपको जो है यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है भेजना होगा। एप्लीकेशन के फॉर्म कुछ इस तरह से है, आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरह की फॉर्म है आपको फिलअप करना होगा, जहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, जहाँ पे पोस्ट नेम पोस्ट कोड एंड एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेंट नंबर फादर नेम डेट ऑफ बर्थ एज मैक्सिमम जो एज दिया गया यहाँ पे आप लोगों को दिया जाए देना होगा, एडुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे जो है वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे फॉर्म में दिया गया है। तो आपको ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट में भेजना होगा, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ओनली ऑन इंटरव्यू के बेसिस आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है इसी एड्रेस में आपको जो है इस फॉर्म को आपको भेजना होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जॉब नोटिफिकेशन आ रहा है दिल्ली मेट्रो रेल की तरफ से रिसेंटली, तो अगर आपको एलिजिबल हो तो अभी के अभी जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।